प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम कोलोसियों के 3 अध्याय से वचनों को पढ़ेंगे और फिर मनन करेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह, जो हमारा जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सबको, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कूनी, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। इन सबके ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पौलुस यहाँ पर मसीही जीवन के लिए कई बातें जो ज़रूरी हैं वो बताते हैं। तो
कैसे बच्चों को रहना है, कैसे माँ बाप को रहना है, पत्नियों को कैसे रहना है, पतियों को कैसे रहना है, कैसे हमको हर काम करना है, ये सारी बातें वो बताते हैं यहाँ पर। और वो यहाँ पर हमको कैसे मसीही जीवन में चाल चलना है उसकी बात करते हैं, कि कैसे हमको रहना है, क्या क्या हमको पहन लेना है, क्या क्या हमको उतार डालना है। तो सबसे पहले ये सब बोलने के पहले वो तीसरे अध्याय में पहले वचन से जैसे हमने पढ़ा, वो ये कहते आ रहे हैं कि वो हमको समझाते हैं कि मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, इसलिए हमको मसीह स्वर्ग में सिंहासन, स्वर्गीय सिंहासन में पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। तो मसीह के साथ हम जुड़े हुए हैं, हमारी जो जान है वो मसीह में छिपा हुआ है, ऐसा लिखा है। मसीह जब प्रकट होगा तब हम भी महिमा में मसीह के साथ प्रकट होंगे। तो मसीह जीवन का एक फाउंडेशनल सच्चाई हम कह सकते हैं, एक नींव सच्चाई है ये जानना कि मसीह के मृत्यु और दफन और जो जिलाहट में हमारा क्या भाग है, मसीह के पुनरुत्थान में, मसीह के मौत में हमारा क्या भाग है, हमारे साथ हमारा उन घटनों के साथ क्या लेना देना है। अगर हम इन बातों को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम कई बातों को समझ नहीं पाएंगे। हम जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि झूठ मत बोलो और घृणा मतलब गुस्सा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, तो ये सारी बातें वो बताते आ रहे हैं। लेकिन उसके सबसे पहले वो इस बात को समझाते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है। जब हम अपने पोजीशन को समझते हैं तब हम इन बातों को कर सकते हैं सचमुच, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने पोजीशन को नहीं समझेंगे तो हम कितना भी कोई हमसे कहे कि ये मत करो, वो मत करो, हम उन बातों को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन बातों को करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे लिए, मसीह के लिए, इन बुरी बातों को अगर नहीं करना है, जब हम वो अपने माइंड में हम जब वो निर्णय लेते हैं कि हमको गुस्सा नहीं करना है, हमको क्रोध नहीं करना है, हमको जलन नहीं करना है, हमको यहाँ पे लिखा है ना मूर्ति पूजा के समान क्या है, मतलब जो ईर्ष्या हम कहते हैं, जैसे कुछ चीज़ों को बुरी अभिलाषा, ये सारी चीज़ें हमको नहीं करना है। जो जब हम निर्णय, जब एक मसीही निर्णय लेता है कि मुझे नहीं करना है, उसके पास ये सामर्थ्य रहता है कि वो नहीं करे, कि उन बातों को वो उतार डाले। जैसे हम कपड़े को कैसे उतार सकते हैं आराम से, हमने स्वेटर पहना है तो अगर गर्मी लग रही है तो हम स्वेटर को उतार देते हैं, ये हमारे लिए बहुत आसानी सा आसान आसान है हमारे लिए करना, क्योंकि सामर्थ्य इसके लिए हमारे पास है। नए मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व हमारे अंदर है, तो पुराना मनुष्यत्व के साथ जो ये सारी पुराने मनुष्य के साथ ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो पाप की चीज़ें, उसको उतार डालना हर किसी मसीह से हो सकता है। दुनिया में हर रिलीजन में, हर धर्म में यही बताते हैं कि झूठ नहीं करना है, किसी और की चीज़ पर लालसा नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। लेकिन सच बात तो ये है कि उनके केस में पुराने मनुष्य के ताकत से ही वो ये सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनसे ये सारी चीज़ों का करना क्या फिर छोड़ना नामुमकिन है। हम जो जैसे बस 10 में हमने पढ़ा, जो हमारे जिन्होंने जिसने हमको बनाया है
उनके स्वरूप में हमारा नया मनुष्य बनाया गया है, मतलब मसीह के स्वरूप में, तो उसको हमको पहनना है, विश्वास से हमको पहन लेना है, तो तब भी हम इन बातों को कर पाएंगे, प्रेम में चल पाएंगे, हम क्रोध नहीं करेंगे। और सबसे पहले 12 वचन में वो कैसे बोलते हैं कि एक कोमल नम्र स्वभाव को हमको पहन लेना है। जैसे कई बार मैंने तो देखा है कि कभी कभी किसी को हम देखते हैं तो किसी को हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो मसीही हैं, क्योंकि उनके फेस में इतना एक सॉफ्टनेस रहता है, तो उनके उससे हम समझ लेते हैं कि वो मसीही हैं। तो हमको रोज़ इसको पहनते रहना है, डिसीजन हमको लेना है। ये निर्णय अगर हम नहीं लेंगे तो हम भी दूसरों की तरह ही चलते रहेंगे, हम भी उसी फल को खाएंगे, मतलब इन ये जो पुराने मनुष्य के कामों का फल, जो जिसमें शांति नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है। तो ये सारी बातों को हम का स्टार्टिंग पॉइंट हम देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे पौलुस कहते हैं 1 वचन में कि मसीह के साथ तुम जिलाए गए हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। जब मसीह मरा तो हम भी मसीह के साथ मरे, ये इसी के एक चैप्टर दूसरे अध्याय में है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं जो कल हमने देखा होगा। तो हम पढ़ते हैं कोलोसियों का 2:12 और 13, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। तो बपतिस्मा में गाड़े गए मसीह के साथ और उसको मरे, तो हम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जी उठे मसीह के साथ। तो पहले हमको हम और भी कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं कि हमारा पोजीशन क्या है, ये समझने के लिए। और रोमियो में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, रोमियो के 4 अध्याय में वर्स 25 में हम पढ़ते हैं कि मसीह के जी उठने से हमको क्या मिला है, ये हम पढ़ते हैं। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इंग्लिश में ऐसा है कि ही वॉज रेज्ड फॉर आर जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराने के लिए, हमारे धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया गया। तो इसका क्या मतलब है? तो मसीह के पुनरुत्थान से हमारी धार्मिकता जो है वो जुड़ी हुई है पूरी तरीके से। जैसे हम पौलुस जो हैं कुरिन्थियों को बोलते हैं कि कुछ लोग वहाँ पे थे जो विश्वास नहीं करते थे कि पुनरुत्थान करके कोई चीज़ है, वो ये मानते नहीं थे। तो यहाँ पौलुस उनसे कहते हैं कि और यदि मसीह, वर्स 14, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। और 17, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हमको किस बात से गारंटी मिलता है कि हम अपने पापों में नहीं हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा? मसीह जब क्रूस पर मरा तो हम मसीह के साथ क्रूसित हो गए, वो हम पढ़ते हैं रोमियों के 6 अध्याय में 5 और 6, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में नहीं रहे। हम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गए आत्मिक तौर से।
हम शायद समझ नहीं सकते कि ये कैसा परमेश्वर पिता ने किया। मतलब हम सब परमेश्वर पिता के पिता में थे हमारे पैदा होने से पहले। तो जब मसीह क्रूसित हुआ तो हमारी आत्मा को परमेश्वर ने हमको परमेश्वर ने मसीह के अंदर रख दिया। तो मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य भी मर गया। तो वही हम 8 में पढ़ते हैं ना, रोमियो के 6 के 8 में। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हम भी क्रूसित हुए मसीह के साथ क्रूस पर। हमारा पुराने मनुष्य मनुष्य को क्रूसित किया गया मसीह के साथ। तो फिर उसी तरह जैसे यहाँ लिखा है, उनके मृत्यु में हम जुड़ गए तो जी उठने में भी जुट जाएंगे। तो मतलब मसीह जब जी उठा तो हम नए सिरे से हम भी जी उठे। हमारा आत्मा पूरी तरह नया होकर जी उठा जिसमें कोई पाप नहीं है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे पाप, हमारे सारे पाप को परमेश्वर पिता ने मसीह पर रख दिया, मसीह पर डाल दिया क्रूस पर। अगर मसीह पाप के साथ मसीह मरा, और मसीह जैसे लिखा है रोमियो में लिखा है कि वो इस धरती के नीच भागों में यीशु मसीह गए, तो हम देखते हैं कि अगर मसीह जी ही नहीं उठे तो हम समझ सकते हैं कि मसीह अभी हमारे पापों को अभी भी हमारे पाप अभी भी मसीह के ऊपर ही हैं, यीशु मसीह के ऊपर ही हैं। तो हम अपने पाप से छुटकारा हमने नहीं पाया है क्योंकि यीशु मसीह उस पापों में ही हैं। लेकिन मसीह के जी उठने के कारण हम समझते हैं कि हमारे पाप नाश हो गए। पुनर्थान, यीशु मसीह के पुनर्थान के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे पाप क्रूस पर रख दिए गए और हमारे पाप नाश हो गए। इसीलिए मसीह जी उठा और इसीलिए हम धर्मी ठहराए गए। तो यीशु मसीह का जी उठना जो है बहुत सेंट्रल डॉक्ट्रिन है हमारे धार्मिकता को समझने के लिए। कई लोग और हमारे लिए भी, सभी के लिए इन बातों को समझना, थोड़ा हमको स्टडी जब हम करेंगे तभी हम इन बातों को और गहरे रूप से समझ पाते हैं। तो एक एक चीज़ जैसे हम सोच सकते हैं यहाँ पे, एक्चुअली एक बता रहे हैं पौलुस, हमको समझा रहे हैं कि हमारी आत्मा के साथ क्या हुआ है। जो ये कोलुशियों के 3 अध्याय में 3 बातों को हम यहाँ पे एक्चुअली देखते हैं, वो हम एक एक करके देखेंगे तो हम अच्छी तरह समझ पाएंगे हमारी आत्मा के साथ क्या हुआ। ये देखते हैं पहले, ये समझाते हैं वो, फिर वो हमारे शरीर की बात करते हैं, फिर वो हमारे प्राण की बात करते हैं। मनुष्य जो है वो आत्मा, प्राण और शरीर, इन 3 हिस्सों में हम हैं। तीनों हम ही हैं और तीनों के बीच में कनेक्शन है। परमेश्वर का उद्धार जो है इन तीनों भागों के लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर ही उद्धार पाएगा और हमारा आत्मा नष्ट हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि हमारा आत्मा ही उद्धार पाएगा और हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि हमारा प्राण छूट जाएगा उसके लिए उद्धार नहीं। तीनों भागों कंप्लीट, जैसे लिखा है कि यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं, वो ही इज एबल टू सेव टू द अटर मोस्ट। मतलब अंत तक वो हमको उद्धार, पूरा पूरा उद्धार करने के काबिलियत यीशु मसीह में है। और अभी फिलहाल इस दुनिया में जब हम हैं, पूरी तरीके से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। आत्मा में हमारा उद्धार हो चुका है, शरीर का उद्धार अभी बाकी है। प्राण का उद्धार हर दिन होते रहता है। तो अभी मैं समझाती हूँ कि ये सब कैसे है। तो पहले आत्मा की बात वहाँ पे करते हैं। तो आत्मा के साथ क्या क्या हुआ ये वहाँ पे वो समझाते हैं। तो
कहते हैं पहले हमको समझना जरूरी है, हमारे आत्मा और यीशु मसीह के शरीर के साथ क्या हुआ, उन दोनों बातों की तुलना करते हैं। जीसस के बॉडी के साथ जो हुआ वो हमने आत्मा में अनुभव किया। मतलब यीशु मसीह का शरीर मारा गया, यीशु मसीह मरे, तो हमारी आत्मा भी, हमारी मतलब पाप में आत्मा यीशु मसीह के साथ मर मर गई। तो हम यीशु मसीह फिजिकली मरे, हमारे हमारे आत्मिक दौर में हम भी उनके साथ मर गए। फिर यीशु मसीह फिजिकली जो जी उठे, यीशु मसीह का शरीर जो जी उठा, हमारी आत्मा भी उसी तरह एक नई आत्मा बनकर जी उठा। यीशु मसीह फिजिकली जिलाए गए और स्वर्ग में बैठे हैं, विराजमान है पिता के दाहिनी ओर। हम भी हमारी आत्मा में यीशु मसीह के साथ वहाँ पे बिठाए गए हैं। ये हम और एक वचन भी पढ़ लेते हैं इसको और समझाने के लिए, एफिसियों के 2:5-6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, जिलाया उठाया बैठाया। तो ये सारी चीज़ें हमारी आत्मा में हुई हैं, जो मसीह फिजिकली जो मसीह के साथ हुआ है, ये हमको समझना है। स्पिरिचुअली सभी भी जो भी मसीह में हैं, जिन्होंने भी मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उनके साथ ही हुआ है। अभी आप पूछ सकते हैं कि पर हमको कैसे पता ही हमारे साथ हुआ है कि नहीं, क्योंकि मसीह 2000 साल पहले क्रूस पे चढ़े, तो हमारा और उसमें उसमें क्या लेना देना है। ये विश्वास से आपको स्वीकार करना है, क्योंकि वचन में ये दिया गया है, तो वचन सच्चाई को प्रकट करता है। तो वचन को देख के हम जान लेते हैं कि ये सच्चाई है। जब हम उसको विश्वास से मान लेते हैं तो ये हमारे जिंदगी में अस्तित्व में मतलब हमारी रियलिटी में आ जाता है। ये सच्चाई तो दृढ़ है, एक चट्टान की तरह वो है, उसको हमको मान लेना है, समझ लेना है। जैसे तो विश्वास से हर कोई जो भी यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं, ये हमको विश्वास, वो उनके साथ भी ये हो चुका है, उनका उनकी आत्मा, पुरानी आत्मा मर चुकी है, नए सिरे से नए आत्मा जन्म हुआ है यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, और अभी हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं। तो ये सब हमारी आत्मा में हुई चीज़ें हैं। अभी हम शरीर की बात करते हैं, तो यहाँ पे verse 4 में कहते हैं कि जब मसीह तुम्हारी जिंदगी है, जब प्रकट होगा तो तुम भी प्रकट होगे महिमा में। तो हमारा शरीर अभी इस पृथ्वी पर है, और अभी ये शरीर में पाप अभी भी है। कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे शरीर में पाप ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर में पाप अगर सच में नहीं रहता तो आपका शरीर बिल्कुल बूढ़ा नहीं होता, मतलब आपका शरीर डीके नहीं होता। जो जिसमें बिल्कुल पाप नहीं है वो बूढ़ा नहीं हो सकता, मर नहीं सकता, क्योंकि पाप और मृत्यु में संबंध है। तो हमारा शरीर अभी भी पाप में ही है, हम शरीर की निर्बलता में अभी भी हैं, अभी भी हमको क्रोध, गुस्सा और जलन और बहुत और सारी बातों का सामना करना पड़ता है। तो शरीर अभी भी पाप में ही है, लेकिन जब मसीह, यहाँ पे लिखा है, जब मसीह प्रकट होगा अपने दिन में, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, जब प्रभु प्रकट होंगे, तो महिमा में शरीर के साथ हम भी जी उठेंगे। मतलब हमारा ये दीनहीन शरीर बदल जाएगा और महिमामय हो जाएगा, और वो शरीर एकदम परफेक्ट रहेगा, थोड़ा सा भी पाप उसमें नहीं होगा, थोड़ी सी भी निर्बलता उस शरीर में नहीं होगी। तो ये अभी हमने शरीर की बात की, तो अभी हम बात करते हैं अपने प्राण का, सोल।
तो ये सारी बातें, सारे वचन जो वो कहते हैं, वो हमारे सोल की बात करते हैं, प्राण, हमारा मन, हमारी, हमारा जो निर्णय हम जहाँ लेते हैं, माइंड, विल और इमोशंस, हमारा मन और हमारी जो भावनाएं और जो हमारी इच्छा, ये हमारे प्राण में है। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये निर्णय हमको हर दिन लेना है कि पुराने मनुष्य को उतार डालना है। तो ये निर्णय हम केवल अपने प्राण में ही ले सकते हैं। तो ये प्राण हम जैसे एनिमल्स में भी हम देखते हैं ना, जैसे कोई कुत्ता, बिल्ली, उसमें भी हम देखते हैं एक प्राण होता है, इसीलिए वो भी अपने निर्णय ले पाता है। कुछ कुछ मतलब जो जो भी वो कुत्ते, बिल्ली और बाकी जो एनिमल्स, वो भी अपनी इच्छा के साथ, इच्छा के अनुसार जो उनको करना है वो करते हैं, क्योंकि वो उनके प्राण में है। तो प्राण, परमेश्वर ने हर जीवित चीज़ को प्राण दिया है, तो हमको भी प्राण दिया गया है, और ये प्राण के अधिकारी केवल हम हैं। जैसे समझाए समझाने जाए जाएँ तो आप जो हैं, आपके सोल, आपके प्राण के अधिकारी हैं, कप्तान हैं, कह सकते हैं। मतलब प्रभु भी आपसे ऐसा कुछ नहीं करवा सकते हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं। जैसे अगर हम कुछ कुछ चीज़ों में पड़े हुए हैं, सब लोग हमसे कह रहे हैं कि ऐसा आपको नहीं करना है, प्रभु का वचन भी ऐसा कहता है कि कि हमको ऐसा नहीं करना है, फिर भी अगर आपने निर्णय ही नहीं लिया, तो आपके प्राण के कप्तान आप हो। इसीलिए ये निर्णय कोई भी आपके लिए नहीं ले सकता है, केवल आप वो करते रहेंगे और फिर मसीह के दिन में आपको उसका परिणाम मिलेगा, बुरा या अच्छा। तो और इसीलिए कई कई कभी कभी हम देखते हैं कि मसीही लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं और प्रभु भी उसके बारे में कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके प्राण के कप्तान जो हैं वो आप हैं। तो आपको हर दिन एक निर्णय लेना है कि आपको समझना है, इन बातों को आपको समझना है कि मसीह के साथ आप मर गए, आपके आत्मा में आप नए हो गए इस मसीह के पुनरुत्थान में, और अभी आप मसीह के साथ बैठे हुए हो। और जो ये सारी बातें हैं, जो पृथ्वी की बातें हैं, जो छोटी मोटी बातें, झूठ बोलना, गाली, ये सब आपके लिए नहीं है। हम जो हैं, हम इस पृथ्वी के ऊपर एक ऑर्डर में रहते हैं। जैसे हम सोचते हैं ना कि जैसे लोग बोलते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हमसे एक नीचे नीचे ज़िंदगी है उनकी, मतलब वो कोई भी जो एनिमल है, कोई भी जो शेर हो, बकरी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी पशु पक्षी जो हैं, वो हमारे जानवर, जो कोई भी जानवर है, वो हमारे तरह वो नहीं आ सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी अलग है। तो और हमारी ज़िंदगी उनसे थोड़ा बढ़कर है। मतलब हम ऐसी चीज़ों को कर पाते हैं जो वो नहीं कर पाते। तो नेचुरल जो आदम हम बोलते हैं, आदम, जो सारे लोगों को जो है इस दुनिया में हम देखते हैं, वो आदम है, वो आदम के पुत्र हैं। तो वो आदम है, तो उनसे बढ़कर हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि हम दूसरे आदम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ये सारी बातें हमारे लिए उचित नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में पाप होने के कारण प्रभु की आत्मा की हमको ज़रूरत है कि हम यहाँ पे वो कितनी बातों को बताते हैं, व्यभिचार और बुरी लालसा और जो मूर्ति पूजा और क्रोध और गुस्सा, जलन और गाली और ऐसे कई सारे बातों को हमको, ये सारी बातें हमारे उचित नहीं है, उसको हमको उतार डालना है। और टेंडर मर्सी, जो बहुत कोमल स्वभाव, जो यीशु मसीह का स्वभाव, जो प्रेम, वो लिखते हैं कि सबसे बढ़कर प्रेम को पहन लो, क्योंकि वही बॉन्ड ऑफ परफेक्शन, वही सिद्धता है, तो उसी को पहने रखो। और इसमें जब प्राण हमारा
उद्धार पाते रहता है इस प्रकार, तो उसका फल हम पाते हैं। जैसे जो लोग प्रभु में, हम कुछ महान प्रभु के संत लोगों को देखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में हम, वो भी हमारी तरह इंसान ही हैं, पर उनको हम देखते हैं, वो जो भी करते हैं, वो सब कुछ कितना अलग है हम देखते हैं। वो एक स्वर्गीय ज़िंदगी को जी रहे हैं इस पृथ्वी पर ही। हम भी आत्मा में, हम आत्मा तो हमारा भी मसीह में ही है, उद्धार पाया हुआ है, लेकिन जब हम अपने प्राण में रोज परिवर्तन होते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे, तो हम भी, हमारा उद्धार बढ़ते रहेगा। हम जैसे एक स्टार शाइन ज़्यादा कैसे करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चमक पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रोशनी बढ़ती रहेगी। तो हम भी प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए, इन सच्चाई को पिता हर कोई जान पाए। पिता, आत्मा एक क्या हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ, हमारे शरीर में क्या होने जा रहा है, हमारे प्राण में क्या हर दिन हो रहा है, इस बात को हम अच्छी तरह समझ पाए पिता। पिता, ये जो धार्मिकता है, धर्मी ठहराया है तूने हमें, ईश मसीह में हम धर्मी हो चुके हैं, धार्मिकता का ये वरदान है। हमने कुछ किया नहीं है इसको पाने के लिए, लेकिन हमको ये सेंट में मिला है, हमको ये फ्रीली मिला है, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये गहरी सच्चाई को सारे मेरे भाई बहन समझ पाए और अपना निर्णय, अपने इच्छा को इस्तेमाल करके वो निर्णय लेके हर दिन वो आत्मा में चलें और पुराने मनुष्य को उतार डालें और नए मनुष्य को पहन लें, कि सारी बातों में वो आगे बढ़ पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।